हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। गाइस, आप भी अगर इस तरीके से, जैसे ये फोन पे है, फोन पे में देखिए मैंने रेफर करके 4323 रुपया जो है अर्न किया है। वहीं अगर मैं गूगल पे खोलता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा सिर्फ एक अकाउंट है जिसमें मैंने 3978 रुपया अर्न किया है। इसके अलावा मेरे पास तीन और अकाउंट है और इसी तरह कई सारे एप्लीकेशन से मैंने रेफर एंड अर्न किया है। यानी कि मैंने किसी को उसकी लिंक भेजी कि भाई इंस्टॉल करो और सामने वाले ने इंस्टॉल किया और मुझे बदले में 25 से लेकर के 110 रुपया तक जो है मिला। तो ये सब कैसे होता है, यहां पर मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूं। ना सिर्फ इसमें बल्कि एयरटेल ऐप के अंदर भी मैंने रेफर एंड अर्न किया। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक मैसेज है 2 अप्रैल का, कांग्रेट्स 50 रूपीज अनलॉक रेफर एंड अर्न प्रोग्राम। उसके बाद 2 अप्रैल का एक और मैसेज है, कांग्रेट्स 50 रूपीज अनलॉक फॉर रेफर एंड अर्न। इस तरह से कई सारे हैं। और कैसे होता है ये सब, क्या पूरा प्रोसेस है, इस वीडियो में हम लोग आज यही चीज जानेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है, वहां से जाना, ठीक है। वहां सब कुछ मैंने लिख रखा है, मैं आपको बस वहां से दिखा देता हूं, बता देता हूं, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले गूगल पे की बात करते हैं। तो आपको, अगर आप गूगल पे यूज नहीं करते हो, मान लो आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो ऑनलाइन बैंक अकाउंट 2 मिनट में कैसे खोलना है ये मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी का बैंक अकाउंट ना हो। तो देखो, गूगल पे मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, मे बी आप भी यूज करते होगे, बट अभी भी बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो गूगल पे यूज नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पर जो मेरे गूगल पे के अंदर 101 रुपए आया है 10 अप्रैल को, ये आया है मुझे रेफर करने की वजह से। नीचे लिखा हुआ भी है अर्न फ्रॉम रेफरिंग विथ कोड नंबर इतना इतना। तो ये चीज जो है मेरे पास नहीं होती, ये हो रही है, दैट मीन्स कि अभी भी लोग हैं जिनके पास गूगल पे नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो यहां पे क्लिक करो, गूगल पे ज्वाइन कर लो, ठीक है, और रेफर कोड अगर डालने का ऑप्शन आए तो ये वाला डाल देना, मेरा वाला। उसके बाद आपको अपने बैंक से इसको लिंक करना है, उसी नंबर से गूगल पे का अकाउंट बनाना है जिस नंबर से आपका जो है बैंक अकाउंट में वो नंबर लिंक हो, ठीक है। पैसा वैसा कुछ नहीं कटेगा, कनेक्ट हो जाएगा, यूपीआई आईडी क्रिएट होगा, एक पासवर्ड क्रिएट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें ऑप्शन आएगा रेफर एंड अर्न का, उसके थ्रू जब आप अपनी लिंक दूसरे को भेजोगे तो फिर दूसरा जब इंस्टॉल करेगा तो आपको 51 रुपए मिलेंगे। लेकिन इससे पहले आपको अपना बैंक लिंक करना होगा गूगल पे में और एक पेमेंट करनी होगी एटलीस्ट 1 रुपए की अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। यही कुछ तरीका फोन पे के अंदर भी देखने को मिल जाता है। फोन पे यहां पर देखो, हो सकता है आप फोन पे यूज ना करते हो, तो यहां क्लिक करेंगे तो आप फोन पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो प्रोसेस गूगल पे का है सेम प्रोसेस फोन पे का भी है और इसमें भी आप जो है रेफर कर सकते हैं। अब गूगल पे में क्या है कि फिलहाल अभी जो है गूगल पे 101 रुपया देने लग गया है, पहले ये 51 देता था पर रेफर। फोन पे की बात करें तो फोन पे 100 रुपया भी देता है पर रेफर। देखो, रिसीव्ड इन फोन पे वॉलेट अप टू इतना इतना, क्रेडिटेड इतना इतना, तो फोन पे भी देता है। अब यहां पे आप दूसरा देखोगे, ये कभी 100 देता है, कभी 108 देता है, कभी 110 देता है और कभी कभी 200 रुपया भी दे देता है रेफर करने का, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि फोन पे के अंदर जो पैसा मिलता है, ये देखो मैंने टोटल 4000 रुपए जो है, 4323 रुपए जो है वो अर्न किए हैं अपने इस एक अकाउंट से। अब फोन पे के अंदर सीन क्या है कि इसके अंदर जो पैसा मिलता है उस पैसे को आप बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसी पैसे से गोल्ड खरीद लो, इसके अंदर गोल्ड खरीदने का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। सो अगर आप इस पैसे से, जैसे यहां देख सकते हैं आप, कहीं पे ऑप्शन होगा गोल्ड खरीदने का, खैर जो भी है इसी में कहीं पे है, तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। और अगर आप उस पैसे से गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड खरीदने के बाद जब आप गोल्ड को रीसेल कर देते हैं, ऑनलाइन गोल्ड होता है, ठीक है, तो जब आप उसको रीसेल कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपको सेल करने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो पैसे आपके सीधे बैंक में चले जाते हैं। यानी इसका वाला जो डिजिटल पैसा है वो कन्वर्ट हो जाता है बैंक में जाने वाले पैसे में, और ये मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो ये तो रही बात इसकी। अब जिस अकाउंट से आपने अपना गूगल पे बनाया है उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है, सेम उसी से आप गूगल डुओ बनाओ, ठीक है। अगर आप पहले से गूगल डुओ यूज करते हैं तो आप उसको अनइंस्टॉल कीजिए, क्लियर डाटा तो अब जो है आपको क्या करना है, आपको गूगल डुओ को इंस्टॉल करना है, सेम वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी डालना है और किसी से एक कॉल करना है। उसके बाद तुरंत आपके गूगल
पे के अंदर जो है आपको 51 रुपीज रेफरल अमाउंट मिल जाएगा रेफर करने का। अब गूगल डुओ में क्या है कि मैक्सिमम आप 10 लोगों को रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें याद रखना कि ईमेल सेम होना चाहिए और यहां से लिंक से ही डाउनलोड करना, नहीं तो मे भी आपको रेफर का पैसा भी नहीं मिलेगा अगर आप डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे तो पहली बार में। एयरटेल ऐप के साथ क्या है कि इसमें रेफर करने का आपको 50 या 51 रुपया मिलता है, लेकिन उसमें सीन ये है कि उस पैसे से आप सिर्फ अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है, और आप मिनिमम 25 रुपया मैक्सिमम 100 रुपया अर्न कर सकते हो। यहाँ पे उसका भी जो है डाउनलोड लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा पेटीएम का भी रेफर एंड अर्न प्रोग्राम चलता है जिसमें आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन क्या है कि पेटीएम लगभग सारे इंसान के पास है। आज तक मुझे तो पेटीएम से किसी से रेफर और अर्न का पैसा नहीं मिला, जितना भी मिला मैक्सिमम जो है मुझे 10,000 रुपए के आसपास जो है गूगल पे से मिला होगा, 10-12, और 5,000 के आसपास फोन पे से मिला होगा। अब सवाल ये है कि 1 लाख तक कैसे अर्न होगा, तो अभी क्वारंटाइन का टाइम है, सब लोग घर पे ही बैठे हुए हैं, तो सब लोग फ्री ही है, तो लोग जरूर इस चीज को करेंगे। अब फाइनल बात होती है कि भाई हमें, हमारे पास अकाउंट नहीं है, अकाउंट चाहिए। तो देखो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके एयरटेल पेमेंट्स बैंक में भी अकाउंट खोल सकते हैं, पहला। दूसरा आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी खोल सकते हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से आप पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलिए, ऑनलाइन ही सब कुछ है, कुछ इसमें ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। आपका आईडी आधार कार्ड और आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उसके थ्रू क्रिएट हो जाएगा और फिर आप इन सभी चीजों को कर सकते हो। और अगर आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट खोलना नहीं आता है तो आप गूगल यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारे गाइड जो है अवेलेबल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक की हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके कंटिन्यू कीजिए ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के लिए।